सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी आहुति, कथावाचक सोनम। जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों को एक ही दिन बच्चे हुए। कमरा नंबर 5 में बाबू राधे श्याम जी की स्त्री मनोरमा को दूसरी बार पुत्र हुआ था। उन्हें प्रसूति ज्वर हो गया था। उनकी अवस्था चिंताजनक थी। वो मृत्यु की घड़ियां गिन रही थी। कमरा नंबर 6 में कुंतला की माँ के 7वां बच्चा लड़की हुई थी। माँ बेटी दोनों स्वस्थ और प्रसन्न थी। घर में कोई बड़ा आदमी न होने के कारण माँ की देखभाल कुंतला ही करती थी। उसके पिता एक दफ्तर में नौकरी करते थे। उन्हें पत्नी की देखभाल करने की फुर्सत ही कहाँ थी। पंडित राधे श्याम जी एडवोकेट अपनी माँ और कई नौकरों के रहते हुए भी पत्नी को छोड़कर कहीं न जाते थे। 10 दिन के बाद कुंतला की माँ पूर्ण स्वस्थ होकर बच्ची समेत अपने घर चली गई और उसी दिन राधे श्याम जी की स्त्री का देहांत हो गया। अपने नवजात शिशु को लेकर वो भी घर आए, किंतु पत्नी विहीन घर उन्हें जंगल से भी अधिक सूना मालूम हो रहा था। पति के देहांत होने के बाद राधे श्याम जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मनोरमा से उन्हें अत्यधिक प्रेम था। वो अपने चिन्ह स्वरूप जो एक छोटा सा बच्चा छोड़ गई थी, वही राधे श्याम जी का जीवन का आधार था। वो कहते थे कि इसी को देखकर और मनोरमा की मूर्ति की पूजा करते हुए ही अपने जीवन के शेष दिन बिता देंगे। जिस हृदय मंदिर में वो एक बार मनोरमा की पवित्र मूर्ति की स्थापना कर चुके थे, वहां पर किसी दूसरी प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सकते थे। घर से उन्हें विरक्ति सी हो गई थी। भीतर वे बहुत कम आते, अधिकतर बाहर बैठक में ही रहा करते। घर में आते ही वहां की एक एक वस्तु उन्हें मनोरमा की स्मृति दिलाती। उनका हृदय विचलित हो जाता। जिस कमरे में मनोरमा रहा करती थी, उसमें सदा ताला पड़ा रहता। उस कमरे में वो उस दिन से कभी न गए थे जिस दिन से मनोरमा वहां से निकली थी। जीवन से उन्हें वैराग्य सा हो गया था। आने जाने वालों को वो संसार की असारता और शरीर की नश्वरता पर लेक्चर दिया करते। कचहरी जाते, वहां भी जीना लगता। जिन लोगों से 50 रुपया फीस लेनी होती, उनका काम 25 में ही कर देते। गरीबों के मुकदमों में बिना फीस के ही खड़े हो जाते। सोचते, रुपए के पीछे हाय हाय करके करना ही क्या है, किसी तरह जीवन को ढकेल ले जाना है। तात्पर्य ये था कि जीवन में उन्हें कोई रुचि न रह गई थी। दूसरे विवाह की बात आते ही उनकी गंभीर मुद्रा को देख कर किसी को अधिक कहने सुनने का साहस न होता। अतएव सभी ये समझ चुके थे कि राधे श्याम जी अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उनकी माता ने भी अनेक बार दूसरे विवाह के लिए कहा, किंतु वो टस से मस ना हुए। अंत में वे अपनी इस इच्छा को साथ लिए इस लोक से विदा हो गईं। इसके कुछ ही दिन बाद राधे श्याम जब एक दिन अपनी बैठक में कुछ मित्रों के साथ बैठे थे और बाहर उनका लड़का हरिहर नौकर के साथ खेल रहा था, सामने से एक तांगा निकला। ना जाने कैसे तांगे का एक पहिया निकल गया और तांगा कुछ दूर तक घिसटता हुआ चला गया। एक 7-8 साल का बालक तांगे पर से गिर पड़ा और एक बालिका जो कदाचित उसकी बड़ी बहन थी, गिरते गिरते बचकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बालक को अधिक चोट आई थी। बालिका ने मृग शावक की तरह घबराए हुए अपने 2 सुंदर नेत्र चंचल गति से सहायता के लिए चारों ओर फेरे, फिर अपने भाई को उठाने लगी। राधे श्याम जी ने देखा और दौड़ पड़े, बालक को उठाकर झाड़ने पहुंचने लगे। राधे श्याम के एक मित्र जगमोहन, जो राधे श्याम के साथ ही दौड़कर बाहर आए थे, बालिका को संबोधित करने लगे। कहाँ जा रही थी कुंतला? मौसी के घर जनेऊ है, वही अम्मा के पास जा रही थी, कुंतला ने शर्माते हुए कहा। कुंतला को देखते ही राधे श्याम जी की सोई हुई स्मृति जाग उठी। दूसरा तांगा बुलवाकर कुंतला को उसमें बैठाकर उसे रवाना करके राधे श्याम जगमोहन के साथ अपनी बैठक में आ गए। एक दिन बात ही बात में राधे श्याम ने जगमोहन से पूछा, भाई ये किसकी लड़की थी जो उस दिन तांगे से गिर पड़ी थी? जगमोहन ने बतलाया, वो पंडित नंद किशोर तिवारी की कन्या है। पढ़ी लिखी, गृह कार्य में कुशल और सुंदर होने पर भी धन अभाव के कारण अभी तक कुमारी है। बेचारे तिवारी जी 50 रुपए माहवार पर एक ऑफिस में नौकर हैं। बड़ा परिवार है, 50 रुपए में तो खाने पहनने को भी मुश्किल से पूरा पड़ता होगा। फिर लड़की के विवाह के लिए 2-3 हजार रुपए कहाँ से लावें? कान्य कुब्जों में तो बिना हरौनी के बात कोई करता ही नहीं। कष्ट में है बेचारे, लड़की सयानी है, पढ़ा लिखा कर किसी मूर्ख के गले भी तो नहीं बांधते बनता। एक बार तिवारी जी पर उपकार करने की सद्भावना से राधे श्याम जी का हृदय आतुर हो उठा।
किंतु तुरंत ही मनोरमा की स्मृति ने उन्हें सचेत कर दिया। तिवारी जी पर उपकार करना मनोरमा को हृदय से भुला देना था। राधे श्याम को जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। वे अपने आप ही सिर हिलाते हुए बोल उठे, नहीं, ये नहीं हो सकता। राधे श्याम के हृदय की हलचल को जगमोहन ने ताड़ लिया। वार करने का उन्होंने यही उपयुक्त अवसर समझा। संभव है निशाना ठीक पड़े। तुम क्या कहते हो राधे श्याम, है ना लड़की बड़ी सुंदर, पर बेचारी को कोई योग्य वर नहीं मिलता। अगर तुम इससे विवाह कर लो तो कैसा रहेगा? राधे श्याम उदासीनता से बोले, भाई लड़की सुंदर तो जरूर है, पर मैंने विवाह ना करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जगमोहन उत्साह भरे शब्दों में बोले, अरे छोड़ो भी, ऐसी प्रतिज्ञा तो पत्नी के देहांत के बाद सभी कर लेते हैं। उसके माने ये थोड़ी है कि फिर कोई विवाह करता ही नहीं। अरे भाई, जन्म और मृत्यु जीवन में लगा ही रहता है। संसार में जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, और जो मरा है वो फिर आएगा। रंज किसी से नहीं होता, किंतु उस रंज के पीछे बैरागी थोड़े ही बन जाना पड़ता है। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? यही ना, 35-36 साल की बस। जीवन भर तपस्या करने की बात है, बिना स्त्री के घर जंगल से भी बुरा रहता है। ब्रजेश की माँ 4-6 दिनों के लिए मायके चली जाती है तो घर जैसे काट खाने को दौड़ता है। राधेश्याम, ये कोई बात नहीं जगमोहन, घर से तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। जिस दिन मनोरमा को देहांत हुआ है, घर मेरे लिए घर नहीं रह गया है। बात इतनी है कि बच्चे की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। अम्मा थी तब तक तो कोई बात ही ना थी, पर अब बच्चे की कुछ भी देखभाल नहीं होती। नौकरों पर बच्चों को छोड़ देना उचित नहीं, और मैं कितनी देखभाल कर सकता हूँ तुम ही सोचो। परिणाम ये हुआ है कि बच्चा दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। राधे श्याम का विवाह कुंतला के साथ हो गया। उनकी उजड़ी हुई गृहस्थी में बहार आ गई। मनोरमा के बंद कमरे का ताला खोलकर उनके चित्रों पर हल्की रंगीन जाली का पर्दा डाल दिया गया। उस घर में फिर से नुपुर की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चतुर्गृहिणी का हाथ लगते ही घर फिर स्वर्ग हो गया। कुंतला की कार्यकुशलता और बुद्धि की कुशाग्रता पर राधे श्याम मुग्ध थे। कुंतला के प्रेम के प्रकाश से उनका हृदय आलोकित हो उठा। अब वहां पर मनोरमा की धुंधली स्मृति के लिए भी स्थान न था। वो पूर्ण सुखी थे। राधे श्याम जी ने दूसरा विवाह किया था, संभवतः हरिहर की देखभाल के लिए ही, किंतु इस समय कुंतला को हरिहर से अधिक राधे श्याम की देखभाल करनी पड़ती थी। उनकी देखभाल से ही वो परेशान हो जाती, इतनी थक जाती कि उसे हरिहर की तरफ आंख उठाकर देखने का भी अवसर न मिलता। कुंतला के असाधारण रूप और यौवन ने तथा राधे श्याम जी की ढलती अवस्था ने उन्हें आवश्यकता से अधिक असावधान बना दिया था। बुरा भला कैसा भी काम हो, सबकी एक सीमा होती है। राधे श्याम के इस अनाचार से कुंतला को जो मानसिक वेदना होती सो तो थी ही, किंतु इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी बिना पड़े रह न सका। कुंदन की तरह उसका चमकता हुआ रंग पीला पड़ गया, आंखें निस्तेज हो गईं। 6 महीने की बीमार मालूम होती थी, वैसे ही वो स्वभाव से सुकुमार थी। अब चलने में उसके पैर कांपते, सदा हाथ पैर में दर्द बना रहता, जी सदा ही अलसाया रहता। खाट पर लेट जाती तो उठने की हिम्मत न पड़ती। कुंतला की इस अवस्था से राधे श्याम अनभिज्ञ हो सो बात न थी, उन्हें सब मालूम था। कभी कभी ग्लानी और पश्चाताप उन्हें भले ही होता, किंतु लाचार थे। कहते हैं ढलती उम्र का विवाह और विशेषकर दूसरे विवाह की सुंदर स्त्री मनुष्य को पागल बना देती है। था भी कुछ ऐसा ही। कुंतला अपने जीवन से कुछ बेजार सी हो रही थी। वो राधे श्याम को किस प्रकार रोक सकती थी, किंतु वो तो उसकी विवाहिता पत्नी ठहरी, क्योंकि 7 भावरे लेने के बाद राधे श्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपोली मिल चुकी थी। इधर कुछ दिनों से शहर में एक स्त्री समाज की स्थापना हुई थी। एक दिन उसकी कार्यकारिणी की कुछ महिलाएं आकर कुंतला को निमंत्रण दे गईं। कुंतला ने सोचा, अच्छा ही है, 2 घंटे घर से बाहर रहकर अपने इस जीवन के अतिरिक्त भी देखने और सोचने समझने का अवसर मिलेगा। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वहां गई भी। वहां जितनी स्त्रियों ने भाषण पढ़े या दिए, कुंतला ने सुने। उसने सोचा, वो इन सब से अधिक अच्छा लिख सकती है और बोल सकती है। घर आकर उसने भी एक लेख लिखा। विषय था
भारत की वर्तमान सामाजिक अवस्था में स्त्रियों का स्थान। राधेश्याम ने भी लेख देखा, बहुत प्रसन्न हुए। लेख लिए हुए वो बाहर गए, बैठक में कई मित्र थे, उन्हें दिखलाया। सभी ने लेखिका की शैली और समसामयिक ज्ञान की प्रशंसा की। अपने एक साहित्य सेवी मित्र अखिलेश्वर को लेकर राधेश्याम भीतर आए। कुंतला को बुलाकर बोले, कुंतला तुम्हारा लेख बहुत ही अच्छा है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो, नहीं तो तुमसे सदा लिखते रहने का आग्रह करता। तुम्हारे इस लेख में कहीं कहीं भाषा की त्रुटियां हैं, पर ये मेरे मित्र अखिलेश्वर ठीक कर देंगे। अब तुम रोज कुछ लिखा करो, ये ठीक कर दिया करेंगे। मुझे तो भाषा का ज्ञान नहीं, अन्यथा मैं ही देख लिया करता। खैर कोई बात नहीं, ये भी घर ही के से आदमी है। कुंतला के लेखों का भार अखिलेश्वर को सौंप कर राधेश्याम को बहुत संतोष हुआ। कुंतला को अब ऐसा साथी मिला था जिसकी आवश्यकता उसे बहुत दिनों से थी, जो उसे घरेलू जीवन के अतिरिक्त और भी बहुत सी उपयोगी बातें बता सके, जो उसे अच्छे से अच्छे लेखकों और कवियों की कृतियों का रसास्वादन करा के साहित्यिक जगत की सैर करा सके। कुंतला अखिलेश्वर का साथ पाकर बहुत संतुष्ट हुई। अब उसे अपना जीवन उतना कष्टमय और नीरस न मालूम होता था। कुंतला और अखिलेश्वर प्रतिदिन एक बार अवश्य मिला करते। कुंतला की अभिरुचि साहित्य की ओर देखकर उसकी विलक्षण कुशाग्र बुद्धि एवं लेखन शैली की असाधारण प्रतिभा पर अखिलेश्वर मुग्ध थे। वो उसे एक सुयोग्य रमणी बनाने में तथा उसकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित करने में सदा प्रयत्नशील रहते। लाइब्रेरी में जाते, अच्छी से अच्छी पुस्तकें लाते और उन्हें घंटों पढ़कर सुनाया करते। कविवर शेली, टेनिसन और कीट्स तथा महाकवि शेक्सपियर इत्यादि के ऊंचे दर्जे की कविताएं पढ़कर उसे समझाते, उसके सामने व्याख्या करते और आलोचना करते और उससे करवाते भी। हिंदी के धुरंधर कवियों की रचनाएं सुनाकर वे कुंतला की प्रवृत्ति कविता की ओर फेरना चाहते थे। उनका विश्वास था कि कुंतला लेखों से कहीं अच्छी कविताएं लिख सकेगी। किंतु अब राधेश्याम को कुंतला के पास अखिलेश्वर का बैठना बुरा लगने लगा। कभी कभी सोचते, शायद कुंतला के सुंदर रूप पर ही रीझ कर अखिलेश्वर उसके साथ इतना समय बिताता है। किंतु वो प्रकट रूप में कुछ कह ना सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही तो अपने आपस से परिचय करवाया था। कुंतला राधेश्याम के मन की बात समझती थी, इसलिए बहुत सतर्क रहती थी। फिर भी यदि कभी भूल से उसके मुंह से अखिलेश्वर का नाम निकल जाता तो राधेश्याम के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठती। अब अखिलेश्वर के लिए राधेश्याम के हृदय में मित्र भाव की अपेक्षा ईर्ष्या भाव का जन्म हो गया था। इन्हीं दिनों कुंतला ने 2-4 तुकबंदियां भी की, जिनमें कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान और भावों का बहुत सुंदर समावेश था, किंतु शब्दों का संगठन उतना अच्छा नहीं था। अपने हाथ के लगाए हुए पौधे में फूल आते देख जिस प्रकार किसी चतुर्माली को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कुंतला की कविताएं देखकर अखिलेश्वर बहुत खुश हुए। उन्होंने कविताएं कई बार पढ़ी और राधेश्याम को भी पढ़कर सुनाई। कुंतला की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की, किंतु राधेश्याम खुश ना हुए। उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कुंतला ने अखिलेश्वर के विरह में ही विकल होकर ये कविताएं लिखी हैं। अखिलेश्वर निष्कपट और निस्वार्थ भाव से कुंतला का शिक्षण कर रहे थे। उन्हें कुंतला से कोई विशेष प्रयोजन ना था। कुंतला के इस शिक्षण ने उन्हें इतना ही आत्मसंतोष दिया था कि वे साहित्य की एक सेविका तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा कभी न कभी साहित्य की कुछ सेवा अवश्य होगी। राधेश्याम के हृदय में इस प्रकार उनके प्रति ईर्ष्या के भाव प्रज्वलित हो चुके हैं, इसका उन्हें ध्यान भी ना था। अखिलेश्वर कई दिनों तक लगातार बीमार रहने के कारण घर के बाहर ना निकल सके। खाट पर अकेले पड़े पड़े धनिया गिनते हुए उन्हें अनेक बार कुंतला की याद आई। कई बार उन्होंने सोचा कि उसे बुलवा भेजें, फिर ना जाने क्या आगा पीछा सोचकर वे कुंतला को ना बुला सके। इधर कई दिनों से अखिलेश्वर का कुछ भी समाचार ना पाकर कुंतला भी उसके लिए उत्सुक थी। वो बार बार सोचती, एकाएक इस प्रकार आना क्यों बंद कर दिया, क्या बात हो गई। परंतु वो अखिलेश्वर के विषय में राधेश्याम से कुछ पूछते हुए डरती थी। इसी बीच एक दिन कुंतला की माँ ने कुंतला को बुलवा भेजा। राधेश्याम कुंतला से ये कहकर कि जब तांगा आएगा तुम चली जाना, कचहरी चले गए। जब कुंतला माँ के घर से लौट रही थी तो उसे रास्ते में हाथ में दवा की शीशी लिए हुए अखिलेश्वर का नौकर मिला। नौकर से मालूम करके कि अखिलेश्वर बीमार है, कई दिनों तक तेज बुखार रहा है, अभी भी कई दिन घर से बाहर न निकल सकेंगे, कुंतला अपने को रोक न सकी। क्षण भर के लिए अखिलेश्वर से मिलने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा।
अखिलेश्वर के मकान के सामने पहुंचते ही तांगा रुकवा कर वो अंदर चली गई। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। अचानक कुंतला को अपने कमरे में देखकर अखिलेश्वर को विस्मय और आनंद दोनों ही हुए। अपनी खाट के पास ही कुंतला के बैठने के लिए कुर्सी देकर वो स्वयं उठकर खाट पर बैठ गए। बोले, कुंतला तुम कैसे आ गई? इस बीमारी में मैंने तुम्हारी बहुत याद की। इसी समय राधेश्याम जी ने भी कमरे में प्रवेश किया। कुंतला कुछ भी ना बोल पाई। राधेश्याम को देखते ही अखिलेश्वर ने कहा, आओ भाई राधेश्याम, आज कुंतला आए तो तुम भी आए, वरना आज 8 दिन से बीमार पड़ा हूँ। रोज ही तुम्हारी याद करता था पर तुम लोग कभी ना आए। फिर घड़ी की ओर देखकर बोले, आज 3 ही बजे कचहरी से कैसे लौट आए? राधेश्याम ने रुखाई से उत्तर दिया, कोई काम ना था इसलिए चला आया। फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले, चलो चलती हो, मैं तो जाता हूँ। अखिलेश्वर ने बहुत रोकना चाहा पर वो रुक ना सके, चले ही गए। उनके पीछे पीछे कुंतला भी चली। जाते जाते उसने अखिलेश्वर पर एक ऐसी मार्मिक दृष्टि डाली जिसमें ना जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता, कितनी कातरता और कितनी दीनता थी। कुंतला चली गई, किंतु उसकी इस करुण दृष्टि से अखिलेश्वर की आंखें खुल गईं। राधेश्याम के आंतरिक भावों को वो अब समझ चुके थे। घर पहुंचकर कुंतला कुछ न बोली, वो चौके में चली गई। कुछ ही पलों के बाद उसने लौट कर देखा कि उसके लेख, कविताएं, कॉपियां, पेंसिलें और अखिलेश्वर द्वारा उपहार में दी हुई फाउंटेन पेन सब समेट कर किसी ने आग लगा दी है। उसी अग्नि में अखिलेश्वर का वो प्यारा चित्र, जो कुछ ही क्षण पहले ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, धू धू करके जल रहा है और ऊपर उठती हुई लपटें मानो ये कह रही हैं, कुंतला ये तुम्हारे साहित्यिक जीवन की चिता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी आहुति, कथावाचक